ओकेजन ही कुछ ऐसा था दैट आई हैड टू कम लाइव विथ टू ऑफ द मास्टर्स एंड मेस्ट्रोज ऑफ देयर सब्जेक्ट फिजिक्स. और अब हम मतलब ऑब्वियसली बात है दो अनमोल रतन है ना, लेट मी बी अ लिटिल फिल्मी, दो अनमोल रतन को ऐड कर रहे हैं ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. एंड लेट मी टेल यू, अभी तक जितने भी अमेजिंग टीचर्स आपके हैं, वी आर डेफिनेटली इंश्योरिंग कि यार आपका फिजिक्स आई क्यू अब इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फॉर श्योर बढ़ेगा. सो वी हैव, लेट मी टेल यू, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, हमारे साथ हैं नील मनी सर एंड सचिन सिंह सर, ठीक है ना. एंड बोथ हैव टॉट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से ये टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं एंड दे हैव लिटरली कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन देयर यू नो स्टिंट ऑफ बींग अ टीचर. तो यार अब जो कि मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इस लॉन्च इवेंट में आई कैन सी बोथ ऑफ यू टुगेदर. तो यार पहली चीज स्टार्ट करते हैं नील सर के साथ, जो मतलब एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है ना, मैं दैट्स हाउ ही इज फेमस इन कोटा, ही इज एन एंटरप्रेन्योर प्लस एन एजुकेटर. तो आप अपना अपने बारे में कुछ बताएंगे सर कि आपका कैसा रहेगा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, हाउ आर यू गोइंग टू ऑपरेट एंड एवरीथिंग. सो थैंक यू नमो सर. आपने एक्चुअली क्या है कि ऑफलाइन में वी हैव सीन मल्टीपल स्टूडेंट्स, मल्टीपल डिफिकल्टीज, मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स जो बच्चों को सीखनी चाहिए. अब हम वो कोशिश करेंगे कि द सेम थिंग वी कैन डिलीवर ऑनलाइन. यू आर ऑल्सो अ फिजिक्स टीचर, सो यू अंडरस्टैंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट लैंग्वेज. Physics is all about language and mathematics. So we will try to deliver the same kind of content here on online platform. जो Unacademy का platform है, हम उसको same platform पे हम वही सारी चीजें provide करने की कोशिश करेंगे. जो भी हमने सीखा सिखाया है, वो सारी चीजें हम वापस लेके आएंगे इस पे. नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है. And I think so the online is the future clearly, क्योंकि online में बहुत power है कि कैसे आप बच्चों को टेक्नोलॉजी यूज करके मतलब द टीचर जस्ट बिकम्स अ सुपरस्टार, ये तो होता ही है. एंड दिस ओवर द इयर्स वी हैव सीन कि कितने सारे टीचर्स जो ऑफलाइन में इतने मतलब इतने फेमस थे, इतने अमेजिंग थे, जब हम उनको ऑनलाइन लाते हैं तो वो एक मैजिकल एक्सपीरियंस हो जाता है. एंड आई हैव पर्सनली यू नो विटनेस्ड दिस एंड आई एम श्योर अब हम इसको एक लेवल और ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना. इंस्टेड आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना, अभी कुछ दिन पहले हमने आशीष अरोरा सर को भी ऐड किया. And yeah. now we are going one level ahead with Neil sir, Sachin sir, and अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. Now we have such great teachers on the platform. I think it's one of the very proud moments की जो revolution हम लोगों ने बहुत पहले start किया था अकेडमी में, उसमें हम इतने अच्छे अच्छे लोगों को add कर पा रहे हैं जिन्होंने इतना contribute किया, इतने ranks produce किए. Over to Sachin sir, Sachin Singh sir. I mean he needs no introduction. Thank you so much. नमो सर, इट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग यू सेड. एक्चुअली नील सर एंड आई हम लोग दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, एंड देन लाइक द टू ऑफ अस आर फिजिक्स गाइस, यू आर ऑल्सो अ फिजिक्स गाय. तो वो जो लैंग्वेज की बात सर कर रहे थे, तो एक एक बड़ी खास बात है फिजिक्स में, हम लोग हम एज टीचर्स हमने ऑब्जर्व करा है कि कैसे ईजिएस्ट वे में बच्चों को मैक्सिमम आउटपुट हम दे सके. ऑनलाइन का जो आपने एडवांटेज बताया, ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे यही लगता है कि जो पेनिट्रेशन है टू द स्टूडेंट और कितने कम समय में कितनी ज्यादा बातें हम अपनी पहुंचा सकते हैं उनको, ये एज अ टीचर बहुत बढ़िया मौका हमको ऑनलाइन पे मिलता है. और मेरे ख्याल से ये चीज हम नई ला के दे सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन का जो एक्सपीरियंस है उसमें जो टर्मिनोलॉजीज एग्जाम्पल्स हमने इकट्ठे करे हैं, उसको कैसे एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में कम से कम में बेस्ट लैंग्वेज में बच्चों तक पहुंचा सके, इस पर हम लोग को काम करना है. एंड जनरल जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल रहा है वो इसी चीज को लेकर रहा है, तभी हमें लगा कि इट्स राइट टाइम टू जॉइन यू गाइस एंड यू गाइस आर अमेजिंग. तो हमें भी लगा कि वेल दिस इज द टाइम. सर यू शुड नाउ बी सेइंग वी गाइस आर अमेजिंग, ऐसे तो नहीं, ये तो आपने पराया कर दिया एक सेकंड में. अरे यार नहीं, बट लेट मी आल्सो टेल यू, मतलब आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, जितने बच्चे यहां पे देख रहे हैं, तो आपके सामने जो दो टीचर्स हैं, ये दो टीचर्स नहीं है बट दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ आईसैक. आईसैक इज एन इंस्टीट्यूट, इंस्टेड नील सर विल टेल, एंड INSP, मतलब आई थिंक आप दोनों बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि व्हाट इनकी क्या भूमिका रही है इन एक्चुअली शेपिंग किड्स फ्यूचर्स इन द पास्ट. तो नील सर एंड सचिन सर, आप नील सर आप बताइए पहले. थैंक यू नमो. देखिए हमने बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पहले भी काम किया हुआ है मैंने. उसके जब हमने आइजेक स्टार्ट किया, तो आइजेक का जो कॉन्सेप्ट था वो था डे बोर्डिंग, बिकॉज वी रियली वॉन्ट कि बच्चा जो रोज सीख रहा है साथ साथ
वो जो जो चीजें उसकी दिक्कतें आ रही हैं, बैकलॉग्स ना हो, होमवर्क कंप्लीट हो, उन सारी चीजों को रखते हुए हमने आइजैक इंस्टीट्यूट बनाया एंड इट इज गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड वी आर वेरी मच श्योर कि जो भी आइजैक में ऑब्वियसली हमारे सेंटर की अगर आप बात पूछ रहे हैं तो आइजैक में अगर जो भी बच्चा आ रहा है वी आर गोइंग टू गिव 100% ऑफ आवरसेल्फ टू देम टू गेट देयर सक्सेस. मतलब दिस सचिन सर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको क्या कहना चाह रहा हूं मैं. क्योंकि आइजैक जो है हमने जब बिल्ट अप किया नामो सर तो द होल आइडिया वाज हमने आइजैक का फुल फॉर्म भी मैं बताना चाहूंगा सब लोगों को एक बार है ना. बेसिकली वी आर टीचर्स ऑफ साइंस है ना और उसके अराउंड ही हम पूरा अपना स्टोरी बिल्ट अप करना चाह रहे थे. सो आई स्टैंड्स फॉर आइजैक न्यूटन, एस स्टैंड्स फॉर श्रोडिंगर, दैट्स फॉर केमिस्ट्री. सो एंड ए स्टैंड्स फॉर आर्यभट्टा, इज द मैथ्स जीनियस. एंड देन वी हैड सी, चार्ल्स डार्विन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू बायोलॉजी. तो एज अ पैकेज ओवरऑल सब्जेक्ट्स साइंस को जो हमारे इस कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट के लिए चाहिए होता है उस नाम को लेकर हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया. सो सो थॉटफुल, आई एम सो सॉरी टू कट, बट आई जस्ट कुडंट, जो आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया हाउ यू चोज द नेम्स, आई थिंक इट्स रियली रियली थॉटफुल. ऐसा नहीं होता. यस यस डियर. सो द होल आइडिया वॉज कि हम साइंस को ही इसको ही अपना बेस बनाकर आगे बढ़ना चाहते थे. एंड विद व्हाट नील सर सेड, एक बहुत बड़ी जो ऑफलाइन में हमने नमो सर प्रॉब्लम देखी थी वॉज स्टूडेंट को जो एक केयर मिलनी चाहिए आफ्टर हीज रेड थिंग्स और वो वीकली कंपाइलेशन उसके नहीं हो पाते एंड वो जो प्रेशर झेलता है उसको ओवरकम करने के लिए वी केम अप विद दिस यूनिक आइडिया ऑफ डे बोर्डिंग, वेयर बाय वो हमारे गाइडेंस में ही लर्न्स थिंग्स एंड देन वी स्टे देयर 8 AM to 8 PM एंड लुक आफ्टर हिम कि वो पढ़ रहा है क्या कर, ही कैन टॉक टू अस लाइक फ्रेंड्स. तो जब ये वाला जो थॉट था उससे ही आइजैक का जन्म हुआ. दैट्स हाउ ये तो मतलब मुझे आई एम वेरी श्योर दैट यू नो एक वैल्यू ऑफ द प्लेटफॉर्म और बढ़ जाती है. मतलब हम बहुत ज्यादा यू नो वी वर सो एक्साइटेड पहली बार जब हमने ऑनलाइन में कुछ रेवोल्यूशन क्रिएट किया था स्पेशली अनअकैडमी जेई पे एंड एवरीवन वाज वाचिंग, ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टूडेंट्स, और काफी अप्रिसिएशन हमें मिला था. एंड आई थिंक उस चैनल को देख के काफ़ी सारे टीचर्स को भी लगा कि हाँ यार दिस इज़ अ प्लेस टू बी, स्टूडेंट्स फेल्ट दिस इज़ अ प्लेस टू बी. दो साल में सर हमने इतनी सारी रैंक्स प्रोड्यूस की एंड आई एम वेरी श्योर अब वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. मैंने ऑलरेडी एक चैलेंज दे दिया था, मतलब ऐलान कर दिया था कि दिस टाइम विल बी री राइटिंग द हिस्ट्री. मतलब हम फिर से जो हमने लास्ट टाइम 3 बार लगातार 100% करी थी, सो दैट वी विल री अचीव दैट, वील री अचीव दैट. एंड ऑब्वियसली बात है ऑल इंडिया रैंक 1 फिर से हम अचीव करके दिखाएंगे आपके सामने, है ना. और मल्टीपल टाइम्स, मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स में वी हैव टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1. और वो डेफिनेटली पॉसिबल हो पाएगा अगर इतने अमेजिंग टीचर्स होंगे जो ब्रेन कंस्ट्रक्शन को बहुत सीरियसली लेते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिलीवरिंग द सब्जेक्ट बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेन. एंड आई थिंक सो उसके लिए नॉलेज नहीं चाहिए, खाली नॉलेज नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए इंटेंट. एंड आई थिंक सो ये इंटेंट क्लियरली दिखता है इन सम इंडिविजुअल्स और वो बहुत कम होते हैं. एंड आई थिंक सो बच्चों को बहुत फॉर्चुनेट फील करना चाहिए कि आज ऐसे दो इंडिविजुअल्स आपके सामने हैं. एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो सुपर ओवरवेल्म्ड कि यू नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देर इज़ अ ग्रैंड लॉन्च ऑफ एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी. और अपने आप में मतलब मैं आपको आई डोंट सी यू टू एज टू एजुकेटर्स बट टू सिस्टम्स विच आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अनअकैडमी. तो यार ये बहुत बढ़िया बात है. आई मीन अनअकैडमी ऐसे ही अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल और अनबिलीवेबल नहीं हुआ है ना. ये पहले राइम बहुत करता था बट अब इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस नाउ. आज के टाइम में ये ज़्यादा सेंस बनाता है. उस टाइम तो हमने जोश जोश में बोल दिया था, अब अचीव कर रहे हैं, अब उसको यू नो वी आर मेकिंग इट अ रियलिटी बाय डूइंग सच थिंग्स. दैट्स अ ब्यूटिफुल स्टेटमेंट यू सेड राइट. अभी द वे यू नमो आई बीन सीइंग यू एज एन एजुकेटर और मुझे सबसे पॉजिटिव बात आपकी हमेशा लगी है. मैं आउट ऑफ द वे जाकर शायद बोल रहा हूँ बट यू आर अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन. दैट्स दैट ये जो इंटेंट वाली बात आपने बोली यही पॉजिटिव चीज जो है वही बच्चों को आगे बढ़ाती है. और एज टीचर्स ये एज अ फैमिली हम लोग यही ही करना है हमको. जैसा कि आपने कहा सिर्फ नॉलेज से नहीं काम चलने वाला. ये जो पॉजिटिवनेस है हमें लाइफ को लेकर, पढ़ाने को लेकर, ये जितना हम थ्रो करते हैं ना स्टूडेंट्स को वो उतना ही आगे बढ़ेगा. वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट. नहीं बिकॉज आई रिमेंबर वन थिंग, जब मैंने अपनी टीचिंग स्टार्ट की थी है ना, व्हेन आई वाज इन अ प्रीवियस इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे आई वाज वेरी फॉर्चुनेट. वहाँ के जो सीईओ थे उनसे मेरी एक डिस्कशन हो रही थी ऐसे ही है ना. एंड ही ऑल ऑफ अ सडन सेड कि नमो डू यू नो व्हाट इज दैट वन क्वालिटी दैट यू शुड लुक एट व्हेन यू हायर अ टीचर है ना. और वो मुझे आज तक याद है और मैं हर एक को बताता भी हूँ इसके बारे में है ना. एंड टीचर्स आर थॉट लीडर्स. और वो एक चीज़ थी एम्पथी
है ना. एंड एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब ही यही है कि यू नो इफ यू आर एम्पैथेटिक तो आप यू विल गो आउट ऑफ द वे टू डू, बिकॉज क्या होता है कि इट्स वेरी इजी फॉर अस टू टेल अस कि यार ये पुली है यार ये ट्रिक लगा दो, बट यू नो द रियल टीचर इज जो सच में यू नो हु गोज डाउन गेट्स डर्टी एंड यू नो वो सारे कॉन्सेप्ट कराता है यू नो. तो मेनी टाइम्स ऐसा मैं आपको सच में बता रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है कभी कभी जब आप बहुत एडवांस चीजें ले जाते हो. हाँ वही वही बट इट बिकम्स मेरे लिए टास्क है. मैं अभी कल की बात बताता हूँ. कल परसों मैं कुछ क्वेश्चंस बना रहा था जो बहुत एडवांस थे, तो उसके लिए मुझे डबल ट्रिपल काम करना पड़ा टू गेट विजुअल्स टू मेक इट इजी. मतलब आपको भी पता है सर, मतलब दैट्स द होल गोल राइट, दैट्स द होल गोल. बिल्कुल सही, यही मैटर करता है इवेंचुअली एज अ टीचर. अब डाउन द लाइन कितना जा रहे तो इट शोज. तो आई थिंक आप अभी तक आई थिंक यू आर यू नो सर्विंग द गॉड यू नो the God's purpose. I mean, हमेशा बोला जाता है teachers और doctors भगवान का रूप होते हैं. आप अभी तक कर रहे हो. I mean, कितनी बार I've seen so many teachers come up to me and say कि नमो सर ऑलरेडी हम 3 साल पढ़ा लिए 4 साल पढ़ा लिए कब तक पढ़ाएंगे है ना. एंड आप लोग अभी भी वहाँ पे हो एंड दैट itself in itself इज अ ग्रेट थिंग कि मतलब क्योंकि मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, बच्चों को हमेशा लगता होगा टीचिंग क्या ही चीज़ है, बट मैं बता रहा हूँ एक बार आप करके देखो. यार और कुछ कर नहीं पाते हैं ना. We don't have capability of doing anything else, so that's why we are teaching. शायद नमो सर यही है. लायक नहीं है किसी. Our teachers like हम किसी को लायक नहीं कर सकते हम लोग. बिल्कुल सही बात है. तो मतलब I also remember जब हम लोग Unacademy JEE टीम को बना रहे थे, तो मतलब मेरा एक इंटेंशन था. मुझे क्लियरली Unacademy से बोला गया था कि आपको बेस्ट टीम बनानी है, आपको बेस्ट स्टूडियो बनाना है, इंडिया का बेस्ट स्टूडियो होना चाहिए, इंडिया की बेस्ट टीम होनी चाहिए. मेरे पास एक ही डायरेक्टिव था, बेस्ट कॉन्टेंट होना चाहिए. तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी है ना. तो मतलब दैट टाइम अब मेरे को थोड़ा शॉर्टकट लेने का भी टाइम नहीं था. अब अगर हर चीज़ बेस्ट करनी है एंड प्रूफ करना है बाय यू नो कि यार बच्चे आने चाहिए, बच्चे सब्सक्राइब करने चाहिए एंड यू नो एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स आर लर्निंग ऑल्सो, लर्निंग आउटकम्स, रैंक्स भी आ रही हैं, सारी चीज़ें एक साथ करना वॉज अ ह्यूमंगस टास्क. एक बार बहुत बार लगा कि फेल हो जाएंगे, बट वहाँ पे जब टीचर स्पेशली मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, अगर आप टीचर्स बेस्ट ले आओ ना तो बाकी सारी चीज़ हो जाती हैं. तो उस टाइम पे ये जो एम्पैथी वाला फैक्टर था, व्हेनेवर यू नो टीचर्स केम इन, द एम्पैथी फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इतने साल पढ़ाने के बाद भी इतने पैशनेट हो, इतने मतलब ये चीज. जैसे आशीष अरोड़ा सर, मतलब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, आई वाज रियली ब्लोन अवे बाय द फैक्ट कि जितनी हम लोगों की एज है ना उतना उनका एक्सपीरियंस है. जस्ट इमेजिन, आई वाज जस्ट चेकिंग यू नो आई वाज उनकी कोई वेबसाइट है उस पर मैं जाके चेक कर रहा था, तो उस पर 28 ईयर्स ऐसे कुछ लिखा था टीचिंग एक्सपीरियंस. हमारा कुछ 30 अर्ली 30s में हमारी एज है. तो आई वाज लाइक डिस्कसिंग कि यार दिस इज माइंड ब्लोइंग. और आज भी यू नो अब मैं उनसे मिला था दिल्ली सेंटर में, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ऐसा लगता ही नहीं है कि यू नो कोई थका हुआ है. बिल्कुल ही वाज लाइक सो फ्लुएंट एंड गाइडेंस पढ़ाने का मजा भी यही है, दैट विगर नेवर डाइज. आपको एवरी टाइम यू गो इनटू द क्लास वही मजा आएगा, आपको हर बार पढ़ाने में वही मजा आएगा फिजिक्स में. एब्सोल्युटली. इंस्टेंट फिजिक्स तो देखो एक वैसा सब्जेक्ट है भी. आई थिंक जैसे आप लोगों से भी अभी हम इस कॉल से पहले बात कर रहे थे, तो आई कुड सी एंड फील दैट एनर्जी कि यार आज मजा आने वाला है. इट्स गोइंग टू बी ग्रेट सेशन एंड अ ग्रेट एडिशन टू Unacademy. तो बढ़िया चीज है. बट आई थिंक इट्स योर, मैंने बहुत ऑलरेडी बोल दिया सर. अब आई थिंक आपकी बारी है. आपका क्या गोल होने वाला है Unacademy पे, आप एक बार अगर हाईलाइट करें सचिन सर, नील सर, देखिए जो भी हमारा एक्सपीरियंस था ऑफलाइन का, जो भी हमें पढ़ाना आता है, जितना भी थोड़ा बहुत आता है, वी रियली वॉन्ट टू रीच आउट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एंड ऑब्वियसली Unacademy इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म विच कैन हेल्प us also to reach with maximum number of students. Hum jahan tak pahunch sakte hain. We'll try our level best. Jo bhi 23 or 20, we are going to launch two program for first program for 23 jo JEE likhne wale hain, unke liye hum ek program launch karne wale hain, in which we will complete the 11th class as well as 12th class. It would be a kind of integrated program on Unacademy. And we are launching a very short revision course for those students who are going to write JEE mains at advanced this year only. So 22 में अभी 2024 पे वी आर वर्किंग की उसके लिए हम क्या प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, पर 2023 और 2022 के लिए अपन ये दो प्रोग्राम लाने वाले हैं. एंड एक्चुअली इन अ वेरी स्मॉल टाइम, अभी हम आज Unacademy ऐप पे 8:45 पे वी आर गोइंग टू टेक अ क्लास, स्पेशल क्लास लेने वाले हैं. उस स्पेशल क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट की
whatever we have learned, whatever we have experienced in offline coaching and how it can be used in online learning और उसका जो outcome है उसको better कैसे बनाया जा सकता है उसके ऊपर बात करने के लिए आज हम एक session रखा है, मेरा और सचिन सर दोनों का combined session है and anybody can join that session. I hope that link is given in the description. And if you are now new on an academy, I remembered all this stuff. If you are new on an academy, so you can use the code Isaac. Isaac is the name of our institute. You can use ISAC for downloading this, attending this session. So this is how we are going to work. Sachin sir, I hope you will take from here. So this is totally. Oh, by the way, बहुत सारे लोग ये let me highlight again. It's more than it's a password for the class, है ना? Yeah. Then a code, it's a password. तो यार बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे नहीं नहीं नहीं. It's just that आप YouTube वाले बच्चों के लिए free करने के लिए वो एक entry point है. Okay, that's fine. नहीं वो बच्चों के लिए बोल रहा था मैं. हाँ मैं समझ गया था. मैं समझ गया कि आप बच्चों को समझा रहे हैं. मैंने शायद कम अच्छा समझाया इसलिए आपने समझा दिया. सही बात है. Thank you, Sachin sir. बस मतलब यही कंटिन्यू करने और जो नील सर ने बोला उसी में बस ये ऐड करूंगा कि जैसा पहले भी जब नमो सर ने इंट्रोड्यूस किया था हमने बोला था कि जो इन 20 सालों में हमने ऑफलाइन के लिए जिस तरह से पढ़ाना सीखा उसको कैसे आप लोगों को ऑनलाइन मोड में क्रिस्प करके नमो सर यू सेड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कम शब्दों में कम समय में कैसे टू द पॉइंट रहकर आपको पहुंचाना है वो स्ट्रैटेजी है हमारी कैसे बेसिकली ऑफलाइन वाला आइडिया आपको वो फ्लेवर एग्जैक्टली ऑनलाइन में कैसे देना है दैट्स अराउंड उसी के अराउंड हम लोग काम करने जा रहे हैं एंड जैसा कि सर ने कहा सेशन जो अभी है उसमें हम लोग विल डिस्कस अबाउट दिस एंड वी कैन हैव अ गुड टॉक अबाउट दैट कैसे ऑफलाइन को हम लोग ऑनलाइन में प्रेजेंट करेंगे ऑल द लेसंस वी हैव ऑफ दीस इयर्स दैट्स इट नमो सर आई जस्ट वांट टू से बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग टू से इट बट दिस काइंड ऑफ फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू I don't know how, but I am getting the very, very positive vibe from you. It is good for the students. जैसे अभी आपने empathy की बात की थी, your face, your way of saying things is totally empathetic. I mean, I really appreciate that. Thank you. मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आपने appreciate किया. Thank you so much, sir. I'm also very fortunate. मैं आपको बताना चाहता हूँ because I was talking to my wife, है ना जो जो खुद IITian है और वो भी कोटा से ही पढ़ी थी तो वो जानती थी आपके नाम को मतलब पहले से I was studying from जयपुर क्योंकि जयपुर में उस टाइम पे मैं बंसल क्लासेस में था उस टाइम पे टॉप एजुकेटर somehow क्योंकि जयपुर का सेंटर नया था तो वहाँ पे सारे नए बेस्ट टीचर्स आ गए थे बट एवरी वन न्यू कि कोटा में बेस्ट टीचर्स हमेशा से थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है ना तो बहुत सारे बच्चे कोटा जाते थे तो मतलब when I was talking about this launch yesterday है ना तो she just like sprung out saying कि अरे okay ये भी आ रहे हैं they were there when हम पढ़ रहे थे उस time पे तो I think that's a great thing मतलब यहाँ पे loop close हो जाता है ये बहुत बढ़िया you always try to point out our age ना at every aspect of conversation you point out our age that we are so old guys ना ना sir जो भी है you're taking chances on this right नहीं मतलब अगर आप एडवाइस लोगे तो आप उससे ही लोगे जो एक्चुअली में वो कर चुका है नहीं मतलब देखिए हमारे लिए एक तरीके से अच्छी बात होती है एज टीचर्स कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है मतलब हम कितना हाईलाइट करते हैं कि यू नो वी हैव क्रॉस्ड 10 इयर्स मतलब जब मैंने 10 इयर्स क्रॉस किए थे मुझे यकीन नहीं हुआ था कि यार 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए एंड आज भी मतलब मजा आ रहा है एंड देन आई रियलाइज कि यार ये फिजिक्स का कुछ कमाल है बिकॉज मैंने देखा है केमिस्ट्री में बहुत रेयर होता है कि पैशन रहे केमिस्ट्री में मैंने सच में देखा है पैशन खत्म हो जाता है शायद वो मोनोटोनस ज्यादा है या जो भी फिजिक्स सर आप सच्चाई बोल सकते हो आप फिजिक्स के टीचर हो उनका मोनोटोनस ही ज्यादा हम लोग का रिफ्रेशिंग रहता है शायद एवरी टाइम आई नो इट फिजिक्स डज दैट थिंग टू यू मतलब वो वाली चीज है बहुत सबसे आसान सब्जेक्ट होता है फिजिक्स बस वही पढ़ाने वाला होना चाहिए सही बस मैं तो यही मानता हूं बिकॉज़ आई पर्सनली फील कि जब मैंने 11th में पढ़ाई स्टार्ट की थी तो हमारे टीचर्स बहुत चेंज होते थे ऑफलाइन में और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तो उस टाइम पे क्या होता था कि मेरे को एनएलएम तक बिल्कुल कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया था फिर हमारे टीचर एकदम से रॉक स्टार टीचर हमारे सामने आ गए थे है ना एंड वो फिजिक्स के टीचर थे है ना तो वहाँ से मतलब मेरा सफर स्टार्ट हुआ था एंड कोइंसिडेंटली उनका नाम भी एनएम सर था है ना मतलब तो मतलब आई रिमेम्बर दैट इज दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट इन फिजिक्स क्योंकि फिजिक्स आप पहले से पढ़ चुके हो बट
जब जेई में आप पहुंचते हो तो मतलब अलग मामला डिफरेंट होता है. तो ठीक है सर, आई थिंक इट वॉज ग्रेट सेशन. आई थिंक 20 मिनट्स, आई थिंक वी प्लान फॉर 20 मिनट्स बट 15 मिनट्स, बट इट्स 20 नाउ. इट्स अ ग्रेट इवेंट. आई थिंक आप सब बच्चों को बताना चाहिए, लेट एवरी वन नो दैट यू नो इट शुड बी वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल थिंग टूडे दैट अनअकैडमी में अब यू नो एक और एक 11 का कॉम्बिनेशन आ चुका है. Bye, Rega. So we can enjoy your life. Bye. Chalo, bye everyone. Special class aa sakte hain aap sabhi log. 8:40 pe description mein diya hua hai. 8:45 se class hai. If you are new on Unacademy, you can use the code Isaac. So the class will start from 8:45. The description is given. Yeah. Thank you. Bye, Rega. So we can enjoy your life. Bye.